बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा खामोशी इख्तियार करें प्लीज। पीडीएम की मुअज्जज क़यादत और बलोचिस्तान और क्वेटा के मेरे गयूर भाइयों बहनों, अस्सलाम अलैकुम। क्वेटा के मेरे जमहूरियत के सिपाहियों, प्यारे भाइयों बहनों बुजुर्गों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत मोहब्बत और शफकत से मेरा इस्तकबाल किया। मैं तहे दिल से आपकी मशकूर हूं। सबसे पहले क्वेटा के बहन भाइयों, मैं एक बात का जिक्र करना चाहती हूं। यहां पर आप सबने सुना होगा कि बहुत अफसोसनाक एक वाकया हुआ रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में, जब पाकिस्तान के और दुनिया के अरबों मुसलमान रबीउल अव्वल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना मना रहे थे, तो फ्रांस की एक बिल्डिंग से इन्होंने जो तौहीन अमेज खाके लटकाए, उससे हमारा दिल, हमारे जज्बात बहुत बुरी तरह मजरूह हुए हैं। तो क्वेटा के मेरे बहन भाइयों, मेरे साथ हाथ उठा के अपना जो एहतजाज है वो रजिस्टर कराओ कि आपके दिलों को इससे तकलीफ पहुंची है। अल्लाह ताला सूरह अलम नशरा में फरमाते हैं कि ए नबी, मैंने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने बुलंद कर दिया, उसके जिक्र पे इंशाल्लाह रहती दुनिया तक कोई आंच नहीं आएगी। और दूसरी बात ये कि अभी डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने जिक्र किया, मेरा शुक्रिया अदा किया कि बलोचिस्तान के कुछ तलबा जिनको मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने पंजाब की यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स दिए थे, हिस्सा दिया था, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं क्वेटा के मेरे भाइयों बहनों के, पंजाब के और बाकी सूबों के बच्चे जितने मुझे अजीज हैं, उतने ही बच्चे मुझे बलोचिस्तान के अजीज हैं। और सुना है कि सुई के मकाम से जो गैस निकलती है, अरबों रुपए की जो गैस निकलती है, वो बलोचिस्तान पूरे पाकिस्तान को फराहम करता है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि सिर्फ 600 बच्चों के स्कॉलरशिप्स, जो कि शायद चंद लाख या चंद करोड़ का मामला था, वो इस हुकूमत ने खत्म कर दिए। और बलोचिस्तान के मेरे वो बच्चे 12 दिन से सड़कों पे रुल रहे थे, लेकिन किसी को उनके ऊपर रहम नहीं आया। उन बच्चों की आंखें लाल हुई हुई थी, जमीन पे एक चादर बिछा के सर्दी के मौसम में वो सो रहे थे, लेकिन किसी को उनके ऊपर रहम नहीं आया। बहुत अफसोस की बात है, मुझे अफसोस है इस बात का, और उम्मीद करती हूं कि इंशाल्लाह ताला उनके स्कॉलरशिप बहाल होंगे। और मुझे अभी किसी सहाफी ने पूछा, मेरे रास्ते में सहाफी ने होटल में मुझे पूछा कि आपने जो आज बलोची लिबास पहना है, उससे आप बलोचिस्तान को क्या मैसेज देना चाहती हैं। मैंने उनको कहा कि जो आज मैंने बलोची लिबास पहना है, उससे मैं बलोचिस्तान के आवाम को ये मैसेज देना चाहती हूं कि जितनी मोहब्बत मुझे पंजाब के आवाम से है, उससे ज्यादा मोहब्बत मुझे बलोचिस्तान के आवाम से है। क्वेटा के मेरे बहन और भाइयों, मुझे पता है कि यहां से नौजवानों को उठा लिया जाता है, मुझे पता है कि कभी कभी उनकी मसखशुदा लाशें मिल जाती हैं और अक्सर वो हमेशा के लिए लापता और गायब हो जाते हैं। अभी जब मैं स्टेज पे बैठी थी तो एक रोती हुई बच्ची मेरे पास आई, यंग बच्ची है वो,
उसका नाम है असीबा कामरानी और वो क्वेटा से ताल्लुक रखती है। उसके तीन जवान भाइयों को घरों से उठा लिया गया और कई साल हो गए आज तक उन तीन भाइयों का कुछ पता नहीं है। शेम शेम शेम। और वो कहती है कि मेरे भाइयों का, मेरे जो तीन जवान भाई थे उसने अपने मोबाइल फोन पे मुझे उनकी तस्वीर दिखाई। उसने कहा कि मेरे बूढ़े मां बाप का वो तीन भाई इकलौता सहारा थे और मुझे आपने जेल में डाला, मेरी आंख में आंसू नहीं आया, मेरी मां वहां पर मर गई, मेरी आंख में आंसू नहीं आया, मेरे बाप को आपने दो दफा जेल में डाला, मेरी आंख में आंसू नहीं आया, लेकिन आज जब मैंने उस बच्ची की बात सुनी तो मेरी आंख में आंसू आए। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। और कहां है वो बच्ची, जरा ये बच्ची है, वो ये खड़ी है वो बच्ची। तीन भाई इसके लापता हैं, तीन भाई। खुदा का खौफ करो, तुम्हारे भी बच्चे हैं, जरा अपने ऊपर इस चीज को तारी करके सोचो कि क्या गुजरती है जब एक मां बाप के तीन तीन बेटे गायब होते हैं। मर जाए कोई तो सुकून आ जाता है, लेकिन जब आपको यह पता चले कि पता नहीं वो मुर्दा है या जिंदा है या वो कहां है, तो सोचो उन मां बाप पर, उन बहन भाइयों पर क्या गुजरती होगी। सोचो, अल्लाह ताला के कहर को आवाज ना दो, इनकी बददुआ में और आसमान में कोई हिजाब नहीं है। खुदा का वास्ता है, अल्लाह ताला का वास्ता है, होश के नाखून लो। अपने ही लोगों से, सुतेले लोगों जैसा सलूक मत करो। और फिर बलूचिस्तान के मेरे भाइयों और बहनों, हमें यह पता चलता है कि ये लोग ये समझते हैं कोई क्वेटा के आवाम को या बलूचिस्तान के आवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का कोई हक नहीं है। उनको, उनकी हुकूमत, उनके वजीर आला और उनके वुजरा का फैसला क्वेटा के, बलूचिस्तान के अवाम नहीं करेंगे, कोई और करेगा। रातों रात बाप या मां के नाम से एक पार्टी बनती है और वो एक बच्चे को जन्म देती है और अगले दिन वही बच्चा वजीर आला की कुर्सी पे बिठा दिया जाता है। शेम शेम शेम। और फिर आज मुझे फिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान की एक बेटी डॉक्टर शाजिया का वाकया याद आ गया। उसके साथ सालों पहले होने वाला इंसानियत सोज वाकया मुझे याद आ गया। उस बेटी की बेहुर्मती की गई जब इन्होंने मेरा दरवाजा तोड़ा कराची का, तो बलूचिस्तान के मेरे गयूर और इज्जत वाले भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, क्या हमारा कल्चर, हमारी रिवायात ये है कि बहन और बेटियों के कमरों में रातों रात घुसकर दरवाजे तोड़कर उन पर हमला किया जाए? हाथ उठा के बताओ कि क्या ये चीज कबूल है आपको? और फिर आज बलूचिस्तान में खड़े होकर मुझे अकबर भुगती शहीद का वाकया भी याद आ रहा है, जो मेरे जहन पर नक्श है। किस तरह एक आमिर ने मुक्के लहराकर कहा था, हम तुम्हें इस तरह मारेंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और फिर हुआ, उसने न सिर्फ एक जमहूरियत पसंद लीडर को कत्ल किया, बल्कि अफसोसनाक बात है क्वेटा के मेरे भाइयों और बहनों, ना सिर्फ ये कि उसके खानदान को, बल्कि उसके चाहने वालों को उसका चेहरा भी देखने की इजाजत नहीं दी। शेम शेम शेम। और फिर जब उस परवेज मुशर्रफ को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई तो वो अदालत ही लपेट दी गई। शेम शेम शेम। और आज जब मैं यहां खड़ी खिताब कर रही हूं तो मुझे क्वेटा के स्टाफ कॉलेज में कायद आजम मोहम्मद अली जना के कहे हुए तारीखी अल्फाज आज मेरे दिल और दिमाग में गूंज रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मेरे अवाम के वोट को इज्जत दो, अपने हल्फ की पासदारी करो, आईन का एहतराम करो, पॉलिसियां बनाना तुम्हारा काम नहीं है, अवामी नुमाइंदों का काम ये है और ये काम अवाम के नुमाइंदों को करने दो। तो क्वेटा के मेरे बहन भाइयों, मुझे जरा ये बताना हाथ उठा के कि आज 72 बरस गुजर गए, क्या कायदे आजम की इस तलकीन पर अमल हुआ? नहीं, आवाज नहीं आई मुझे। क्या हुआ? क्या हल्फ को याद रखा गया? क्या सियासत में मदाखलत बंद हुई? क्या आईन का एहतराम किया गया? क्या अवामी नुमाइंदों को पॉलिसियां बनाने दी गई? क्या अवाम को और अवामी नुमाइंदों का हुक्म माना गया? कायदे आजम की रूह भी देख रही है कि उनकी तलकीन को आज मिट्टी में मिला दिया गया। आज नवाज शरीफ, आज मरियम नवाज शरीफ, आज मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान और स्टेज पर बैठा हुआ हर शख्स, हर कायद वही झंडा उठा के निकला है। हमारी डिमांड है, बलोचिस्तान के अवाम की डिमांड है, गुजरावाला के अवाम की डिमांड है, कराची के अवाम की डिमांड है कि वोट को इज्जत दो, कि अपने हल्फ और आईन की पासदारी करो, सियासत से दूर हो जाओ और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने दो। स्टेट के ऊपर स्टेट, यानी कि स्टेट अबव स्टेट मत बनाओ, रियासत से ऊपर रियासत मत बनाओ, जाली हुकूमतें मत बनाओ, अवाम के मैंडेट पे डाके मत डालो, हुकूमत से ऊपर की हुकूमतें मत बनाओ। क्वेटा के गयूर बहनों भाइयों बेटों, आपकी गुर्बत, आपकी पसमांदगी और आपकी बदहाली, आपकी बेरोजगारी और बलोचिस्तान को आज इस हाल पे पहुंचने की एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि आपके वोट को इज्जत नहीं मिलती। हुकूमत उसकी बनती है जिसकी बागडोर आपके हाथों में नहीं, किसी और के हाथों में होती है। उसकी डोरें आप नहीं हिलाते, कोई और हिलाता है। हाकिम के गिरेबान पर आपका नहीं, किसी और का हाथ होता है। वो आपको नहीं, किसी और को जवाबदेह होता है। जानते हो ना किसको जवाबदेह होता है? जानते हो ना? उसको बिठाने और उठाने का इख्तियार आपके पास नहीं होता, किसी और के हाथ में होता है। और अगर हमने आज इस सिलसिले को बंद ना किया तो अल्लाह ना करे हमारी आजादी और हमारा वजूद खतरे में पड़ जाएगा, मेरे भाइयों और बहनों। और आपको मैं बलूचिस्तान के अवाम को, क्वेटा के अवाम को बिलखसूस मुबारकबाद पेश करना चाहती हूं कि मुझे आज एक बलूचिस्तान की अजीम फरजंद की भी याद आ रही है जो आजादी की जिद्दोजहद में बलूचिस्तान के कई सिपाहियों में शामिल था, जो कायदे आजम के सबसे बाएतमाद साथियों में शामिल था, जिसका नाम था काजी मोहम्मद ईसा, और जिसका एक काबिले फखर फरजंद आज सुप्रीम कोर्ट का जज है। 17 जजों में बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाला वो वाहिद जज है। आपको मुबारक हो कि आप सब ने उसके लिए आवाज उठाई, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसने ये कहा है कि उसके खिलाफ रेफरेंस जो था वो बदनीयती पर मुश्तमिल था। तो आज जिसने बदनीयती की, जिसने शफाफ किरदार के हामिल जजेज हजरात के ऊपर धब्बा लगाने की कोशिश की, उनको नौकरियों से फारिग करने की कोशिश की, तो आज हम सब मिलकर इमरान खान सिलेक्टेड और उसके सिलेक्टर्स को ये कहते हैं
कि इस तारीखी नाकामी के ऊपर तुम सब लोगों को इस्तीफा देना चाहिए और मैं सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करती हूं कि जिस तरह आपने आजाद अदलिया के ऊपर एक हमले को रोका है, इसी तरह आगे बढ़िए और एक और शफाफ किरदार के हामिल जो जस्टिस शौकत अजीज सदीकी हैं, उनको भी इंसाफ दीजिए। वो सच बोलने की पादाश में अब सजा भुगत रहे हैं। वो चीफ जस्टिस थे आने वाले दिनों के, उनको सिर्फ सच बोलने की पादाश में हटा दिया गया। उनको सिर्फ इस बात की सजा दी गई कि उन्होंने कहा कि एक वर्दी में मलबूस अहलकार मेरे पास आया और उसने कहा कि तुम मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को कैसे तुम बेल दोगे, हमारी तो 2 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। और उसी सच बोलने की सजा उसको आज मिल रही है। आगे बढ़िए। मैं मुअज्जिज जजेस हजरात से ये दरख्वास्त करती हूं कि जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को भी इंसाफ फराहम कीजिए और इंशाल्लाह तुम सुन लो, वो वक्त आ रहा है कि तुम्हारी 2 साल की नहीं, तुम्हारी 72 साल की मेहनत जाया होने को है। अब अवाम की हाकमियत का सूरज तलू होने को है, वोट इज्जत पाने को है और वोट को पांव तले रोंदने का सिलसिला बंद होने को है। और आखिर में एक और बात, मेरे बलूचिस्तान के भाइयों, मुझे अलिफ लैला के एक और किरदार का नाम याद आ रहा है। भला कौन, क्वेटा के भाइयों और बहनों पूछो कौन, उसका नाम है आसिम सलीम बाजवा। वो शख्स भी यहां का हाकिम रहा है, यहां का बादशाह रहा है, बल्कि वो यहां बलूचिस्तान के अंदर वोट की इज्जत से खेलता रहा है। वो यहां भी अपने पेशा वराना फराइज की जो अंजाम दही है वो उसको नजरअंदाज करके यहां भी वो सियासी कर्तव्य दिखाता रहा है। वो भी मां और बाप के नाम से सियासी पार्टियां बनाता रहा है और पता नहीं क्या कुछ करता रहा है। हम पूछते हैं क्वेटा के अवाम, आप पूछते हो ना मेरे साथ, पूछते हो, हाथ उठा के बताओ, एक सिरे से दूसरे तक पूछते हो ना। हम पूछते हैं कि एक नौकरी पेशा होने के बावजूद तुम्हारे पास अरबों खरबों के असासे कहां से आए। हम पूछते हैं कि ये अरबों रुपए कहां से आए तो वो चुप। हम पूछते हैं कि ये पिज्जा क्या चीज है तो वो चुप। हम पूछते हैं कि ये 99 कंपनियां कहां से वजूद में आ गई तो वो चुप। हम पूछते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के अरबों खरबों के असासे कैसे बन गए तो वो चुप। हम पूछते हैं कि SECP के रिकॉर्ड में तुमने जो तब्दीलियां करवाई और जो जालसाजी की फ्रॉड किया वो क्यों किया तो वो चुप। हम पूछते हैं कि रसीदें दो तो वो चुप। वो चुप तो है मेरे भाइयों, लेकिन इस सिलेक्टेड इमरान खान और इस सिलेक्टर्स में भी इतनी जरूरत नहीं कि उससे पूछे। ना कोई नैब, ना कोई FIA, ना कोई एंटी करप्शन, ना कोई FBR और ना ही कोई इदारा, ना ही कोई अदालत। जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा, ऐसा नहीं चलेगा। हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। बोलो, देना पड़ेगा ना। रसीदें तो आपको दिखाना पड़ेंगी। अगर स्पेशल असिस्टेंट नहीं रहे तो चेयरमैन CPAC से भी इस्तीफा दो, क्योंकि अरबों खरबों का काम तुम्हारे जैसे दागदार आदमी के हवाले नहीं किया जा सकता। और मेरे भाइयों,
इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। ये तकदीर आप बदलेंगे, पाकिस्तान की तकदीर, बलूचिस्तान की तकदीर बदलने का वक्त आ गया, ये तकदीर आप बदलेंगे। और यहां अब बगावत और गद्दारी के सर्टिफिकेट्स नहीं बटेंगे। माओं के सपूत, बहनों के भाई और बीवियों के शौहर लापता नहीं होंगे। तैयारों और गनशिप हेलीकॉप्टर्स के साथ ऑपरेशन नहीं होंगे। आपके वसाइल का इस्तेसाल नहीं होगा इंशाल्लाह। किसी को वोट की इज्जत से खेलने का हौसला नहीं होगा। वही पाकिस्तान होगा जिस